This is Pruthvi और आज के इस वीडियो में आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग एक होम थिएटर की जो कि है सोनी की तरफ से और इसे मैंने बहुत दिनों पहले ही परचेस करके रखा है जहां पर इसको मैंने यूज करा है काफी 6 से 7 मंथ्स तक और यहां पर बताऊंगा आज मैं इसका एक्सपीरियंस करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और क्या है सही होम थिएटर है यहां पर आप अगर ढूंढ रहे हो कोई होम थिएटर मार्केट्स में तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइज लेट्स गेट इन स्टार्टेड सो गाइज यह है सामने की तरफ होम थिएटर का बॉक्स जहां पर इसकी एक्चुअल इमेज दी गई है और साइड में लिखा है सोनी का लोगो नीचे इसके जो फीचर्स यहां पर मेंशन किए गए और साइड में इसके प्राइस टैग था जहां पर मैंने इसे निकाल दिया है और यहां पर इसे मैं यूज़ कर रहा हूं सबसे पहले तो बता दूँ 6 से 7 महीनों तक तो यहाँ पर मैं बताऊँगा अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर साइड में दिए गए इसके कुछ फीचर्स और एक्चुअल होम थिएटर अगर हम देखें तो ऐसा दिखता है अब यहाँ पर इसके ऊपर दिए गए बटन्स जहाँ पर आपको दिखेंगे इसके कंट्रोल्स और बताता हूँ इसके कंट्रोल्स के बारे में तो यहाँ पर हम देखते हैं नीचे की तरफ आपको एक यूएसबी पोर्ट दिखाई देता है यहाँ पर है इसका सब ऊपर और ऊपर की तरफ है साउंड और यहाँ पर है सोनी का लोगो अगर बात करें ऊपर की तरफ की तो यहाँ पर आपको 4 बटन्स दिए गए हैं जहाँ पर इसको आप म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हो और साइड में लेफ्ट साइड में कॉर्नर में आपको दिखाई देगा यहाँ पर पावर बटन जहाँ पर पावर बटन से आप इस होम थिएटर के सब ऊपर्स को ऑन ऑफ कर सकते हो और आप इसे रिमोटली भी यहाँ पर यूज कर सकते हो अब बात करें इस होम थिएटर की तो इसके पीछे का जो साइड है वो पूरी तरह से उड़ का बनाया हुआ है और पीछे की तरफ आपको दिए गए हैं 2 AV पोर्ट्स जहाँ पर आप इसे डायरेक्टली DVD से भी कनेक्ट कर सकते हो और नीचे की तरफ आपको 3.5mm जैक मिल जाता है जहाँ पर आप इसे TV से कनेक्ट कर सकते हो जहाँ पर आपकी TV का जो साउंड है उसको इन्हेंस कर देगा यहाँ पर बात करें इसके साउंड्स की तो इसके साथ आपको 4 साउंड्स मिल जाते हैं जो कि बिल्कुल इस तरीके के हैं और यहाँ पर अगर बात करें 4 साउंड्स की तो इसके साथ आपको मिल जाता है एक चार्जर जो कि है 20 वोल्ट्स का सोनी की तरफ से और यहाँ पर इस चार्जर से आप यहाँ पर इसको चार्ज करने के अलावा बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हो हालांकि यहाँ पर आप इसको पावर दे सकते हो और आप यहाँ पर इस रिमोट से इसको मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पर आपको हर बार होम थिएटर के बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिंपल सा रिमोट है कॉम्पैक्ट साइज़ है हालांकि यहाँ पर 2 से 3 इंच का ही ये बड़ा है बहुत ही ज़्यादा बड़ा भी नहीं है पीछे की तरफ आपको एक बहुत ही छोटी बैटरी लगानी पड़ेगी और ये है इसकी कम्प्लीट अनबॉक्सिंग अब यहाँ पर बताता हूँ इस होम थिएटर के बारे में तो इसे मैंने यहाँ से सेटअप कर दिया है और इसे मैंने टीवी से कनेक्ट कर दिया है जहाँ पर इसके 2 साउंड्स मैंने वहाँ पर रखे और 2 साउंड्स यहाँ पर बीच में सब ऊपर यहाँ पर अगर हम पावर बटन को दबा कर यहाँ पर ऑन करें तो यहाँ पर एक लाइट इंडिकेट करेगी जहाँ पर ये ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा और यहाँ पर फंक्शंस बटन से आप हर एक फंक्शंस को ला सकते हो यहाँ पर आपको बटन भी दबाने की ज़रूरत नहीं है आप इसे रिमोट से भी हर एक फंक्शंस को चेंज कर सकते हो जहाँ पर आज हम इस पर प्ले करेंगे ब्लूटूथ से यहाँ पर आपको स्मार्टफोन को ले आना होगा और यहाँ पर आपने स्मार्टफोन से इस ब्लूटूथ को कनेक्ट करना होगा और जहां पर आप इसे एक बार अगर कनेक्ट कर देंगे तो यहां पर ये लाइट जो ब्लिंक हो रही है वो ब्लिंक होना बंद कर देगी अब यहाँ पर तो चलिए इसे हम करते हैं कनेक्ट तो यहाँ पर इसे हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली इससे कनेक्ट हो चुका है तो चलिए इस पर एक सॉन्ग प्ले करके आपको दिखा देता हूँ
सो गाइज यहाँ पर ये थी इसकी साउंड क्वालिटी, और यहाँ पर जब आप इसे टीवी से कनेक्ट करते हो तो यहाँ पर इसकी साउंड और भी इन्हेंस हो जाती है, और टीवी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करता है। जब आप इस पर सॉन्ग प्ले करेंगे तो आपको एक डिसेंट क्वालिटी देखने को मिलेगी, जहाँ पर आप इसे कम वॉल्यूम में रखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी बास देखने को नहीं मिलेगा, पर जब आप यहाँ पर वॉल्यूम को ज़्यादा इंक्रीज करते रहेंगे तो यहाँ पर आपको बास मिलेगा एब्सोल्युटली। और यहाँ पर ये होम थिएटर उन लोगों के लिए जिनको बास पसंद भी है और नापसंद भी है, और यहाँ पर काफ़ी बढ़िया होम थिएटर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये थी इसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग और फीचर्स। अब यहाँ पर बताता हूँ कि क्या आपको इसे परचेस करना चाहिए या नहीं। काफ़ी सोनी का प्रोडक्ट काफ़ी बढ़िया होते हैं साउंड क्वालिटी में, तो यहाँ पर इस होम थिएटर का कोई जवाब नहीं साउंड क्वालिटी में। अगर आप इसका साउंड सुनेंगे तो ज़रूर कहेंगे कि भैया कमाल है। तो यहाँ पर साउंड के बारे में तो यहाँ पर आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी। अगर आप मार्केट्स में जाएंगे और अगर आपको सोनी के कोई होम थिएटर्स वहाँ पर दिखाई दे तो आप ज़रूर से उसे चेक कर ले उसकी साउंड क्वालिटी। अब यहाँ पर इसका जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो काफ़ी कमाल की है, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी लैग देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर क्लॉक स्पीड काफी बढ़िया है, टाइमिंग काफी बढ़िया है। यहाँ पर आपको यूएसबी का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, टीवी और डीवीडी का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर ये चारों चीजें इसमें देखने को मिलती है। अब इसके प्रोज और कॉन्स की बात करें तो प्रोज इसके ये है कि इसमें आपको बेस्ट साउंड क्वालिटी, चार चार कनेक्टिविटीज मिलेंगी और ये आपके साउंड को इनहेंस करके दिखाएगा जब आप इसे एक टीवी से कनेक्ट करेंगे। अगर इसके कॉन्स की बात करें तो इसमें आपको कोई एलईडी डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा, जो छोटा एलईडी डिस्प्ले होता है जो कि आपको 2,000 से 3,000 रुपए के जो होम थिएटर्स है उसमें भी देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर जो 2,000 से 3,000 रुपए के जो होम थिएटर्स होते हैं वो होते हैं 5.15 साउंड्स के साथ में, मगर उनकी साउंड क्वालिटी इस होम थिएटर को टक्कर नहीं दे सकती। अब यहाँ पर अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो इसकी परचेस लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, और इससे रिलेटेड जो भी होम थिएटर्स है उसकी भी लिंक, जो बढ़िया बढ़िया होम थिएटर्स है उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाकर वहाँ पर इन्हें चेकआउट कर सकते हो। अगर पसंद आए तो बाय भी कर लेना। सो गाइज, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सो गाइज, दिस इज मी पृथ्वी फ्रॉम दिस चैनल एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।